जिस यात्रा को स्वयं महाप्रभु ने प्रारंभ की, स्वयं महाप्रभु के रथ को खींचे हैं। केवल एक ही यात्रा है, इसी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। यदि ये जगन्नाथ जी रथ यात्रा है क्या चीज, हम क्यों यहाँ पर आए, रथ यात्रा क्या चीज है? यदि ये रथ यात्रा जो है, गुरुदेव कहते हैं जब कृष्ण एक समय कुरुक्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा, जब सूर्य संपूर्ण रूप में उनको राहु ग्रास करता है, उसी सूर्य ग्रह में नियम है कुरुक्षेत्र में वहां पर जो कुंड है ब्रह्म कुंड में नहा करके फिर सबको दान दक्षिणा देनी चाहिए। अभी सारा दुनिया के लोग वहां पर आए, लेकिन वहां पर श्री ब्रजवासी भी आए, वहां पर नंद बाबा और सब। अभी कृष्ण को पता चला हमारे ब्रजवासी भी आए, हमारे प्यारे प्राण प्यारे श्री ब्रजवासी भी वहां पर आए। अभी कृष्ण तरस उठे ब्रजवासियों को साथ में मिलने के लिए। सबसे तो पहले गए मैया जसोदा की गोद में बैठे, और कृष्ण का उम्र कितना हो गया, 100 साल से ज्यादा हो गया, और मैया जसोदा एकदम बूढ़ी हो गई। लेकिन कृष्ण को जब उन्होंने गोद में लिए ना, और वात्सल्य प्रेम में मैया की स्तन से अपनी आप दूध पिलवाने लगे कृष्ण को, हाँ कहता बेटा जितने बड़ा हो क्यों नहीं हो जाए, लेकिन मैया क्या सोचती है, अभी तक इसका दूध दांत भी नहीं पिटा, इसलिए भले ही बेटा डॉक्टर बन गया है, सारा दुनिया को इलाज कराता है, लेकिन अपना जो मैया है, अगर बेटा बाहर जा रहा है ना, ठंडी बड़ा है, बोले बेटा सर साथ मिलेगा, ठंडा पड़ेगा, ओढ़ लेना, भले ही बेटा सारा दुनिया को देखना है, लेकिन मैया के सामने बेटा बेटा ही है, बेटा कभी बड़ा होता है नहीं। इसलिए अभी उन्होंने नंद बाबा से मिले, मैया यशोदा से मिले, सखाओं से मिले, फिर तो कृष्ण सोच रहे गोपियों से तो मिलूंगा, और श्री राधा रानी से कब मैं मिलूंगा। अभी श्याम सुंदर श्री राधा रानी से जब मिले द्वारका में, कृष्ण ने कहा देखो कुरुक्षेत्र में, कृष्ण बोले देखो, राधा रानी बोले देखो श्याम सुंदर, आप भी वही श्याम सुंदर हो, मैं भी वही राधा रानी हैं। लेकिन जब हम दोनों श्री वृंदावन में, जहाँ पर सुंदर कलकल नाद से जहाँ पर यमुना नदी बहती है, जहाँ पर सुंदर कोयल केका कर रहे हैं, कोयल कूकती है, जहाँ पर जुई बेली चमेली सुंदर सुंदर फूल जहाँ पर खिला हुआ हो, जहाँ पर चांदनी के चंद्रमा जहाँ छिटक रहा था, जब हम श्री निकुंज में जब हम दोनों मिलते थे, लेकिन वो निकुंज में वृंदावन में मिलने पर जो आनंद है, ये आनंद वहाँ है क्योंकि तुम्हारी जो ड्रेस में ना बेस में कोई ब्रज का चिन्ह है नहीं, कहाँ है तुम्हारी बंसुरी कहाँ है, अभी तक आप राज पोशाक पहने हुए हो, राज ड्रेस, यहाँ पर हाथी घोड़े धरगढ़ शब्द रथ की कल है श्याम सुंदर। अगर आप हमें आनंद देना चाहते हो, हमारी हृदय रूप रथ में बैठो, और आप तो हम सबके सब ले जाएंगे कहाँ वृंदावन, जब वृंदावन में श्री यमुना किनारा में जब हम मिलेंगे तभी मेरे को पूर्ण आनंद होगा। इसलिए अब चलोगे मेरे हृदय में बैठी करके, श्याम सुंदर बोले जरूर चलूंगा। तब ये रथ यात्रा नहीं, रथ क्या है, बोलिए राधा रानी की हृदय है। क्या है रथ? राधा रानी की हृदय है, और राधा रानी अपना हृदय रूपी रथ में श्री श्याम सुंदर का बैठा करके, यदि रथ को कौन खींचते हुए ले जा रही है, ब्रज गोपियां खींचते हुए रथ को ले जा रही है, कहाँ ले जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र से ले जा रही है, वृंदावन ले जा रहे हैं। इसलिए आप लोग जब रथ खेचे हो किस भाव से, हम सब राधा रानी की दासियों की दासियों की दासियों की दासी है हम सबके साथ, और राधा रानी अपना हृदय में श्याम सुंदर को बैठा करके ले जा रहे हैं। इसलिए हम श्री राधा रानी की दासी बन करके हम सबके संस्कृति रथ को ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हो, वृंदावन। इसी भाव से ये रथ को, इसी भाव से ही इस रथ को हमें खींचनी चाहिए। बोले ये एक कथा है, बोले दूसरी कथा क्या है, बोले दूसरी कथा द्वारका की कथा है। कृष्ण वो अभी चाहते हैं ब्रजवास से मिलने के लिए,
हैं, कृष्ण चाहते हैं ब्रजवासियों से मिलने के लिए, कृष्ण चाहते हैं। अभी कृष्ण द्वारका में रह रहे हैं, ब्रजवासी कहाँ रह रहे हैं, तो वृंदावन में ब्रजवासी रह रहे हैं। कृष्ण की बड़ी इच्छा है मैं जाकर के मिलूं श्री राधा रानी से, गोपियों से मिलूं, ब्रजवासियों से मिलूं। लेकिन कृष्ण द्वारका में अभी रह रहे हैं सत्यभामा रुक्मिणी और अपना लक्ष्मी को साथ में रह रहे हैं। अगर एक पति का अगर दो पत्नी होना, अगर पति बोले पत्नी को देखो उसी दूसरी गोपी से सखी से मिल कर गाँव, पत्नी क्या बोले वही रात रहना, आने का जरूरत नहीं, इसलिए मुंह टेढ़े करके बात करेगी, रोटी फेंक करके देगी, सीधी सीधी बात करेगी नहीं। इसलिए कृष्ण डरते हैं इनको बोलने के लिए, महिषियों के बाद लक्ष्मी को मैं जाऊंगा वृंदावन और गोपियों से राधा रानी से मिलने के लिए। जगन्नाथ जी डरते हैं, देखो सारा दुनिया राजा को सारा दुनिया डरता है, जानते हो राजा किसको डरता है, कीर्तन हो हरी कथा पार्थ क्या है, इनको ये सुना रहा हूँ, तू जा रहे हो रथ यात्रा, रथ यात्रा क्या हम अपना नीचे रेडी हो गए ना, हमें डाल गए, चलो नीचे जाओ, तब चलो चलो भोग लगा, चलो दो मिनट भोग लगा रहा हूँ, दो मिनट शेष कर। देखो अभी वो चाहती है जाने के लिए कहाँ, अभी जगन्नाथ जी जाना चाहती है कहाँ पर, दुनिया राजा को डरता है, बोले राजा किसको डरता है, वो अपना रानी को डरता है, रानी को डरती है, क्योंकि घर में किसका चलती है, पुरुष का नहीं चलती है, घर में किसकी चलती है, रानी की चलती है। इसलिए जगन्नाथ जी को तो दुनिया पूजा करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी किसको पूजा करते हैं, रानी की, राधा रानी की पूजा करते हैं। इसलिए वृंदावन गए हो, इसलिए वहाँ पर सेवा मिल जाए ना, कौन किसका सेवा कर रहे हैं, कृष्ण स्वयं किसकी सेवा कर रहे हैं, राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ जी लक्ष्मी से डरते ही, अगर बोर दूना में जाऊं कहां पर, वृंदावन जाऊं, फिर लक्ष्मी मुंह टेढ़ी करके बात करेगी, फिर तो रोटी फेंक करके देगी, हाँ सीधी सीधी बात। इसलिए जगन्नाथ जी डरते ही लक्ष्मी को डायरेक्ट बोलने के लिए, इसलिए जगन्नाथ जी पूरी में जगन्नाथ जी 15 दिन तक उनको स्नान यात्रा कराते हैं, और जगन्नाथ जी बहाना बना देते हैं उनको बुखार हो गया, और उन्होंने बुखार की बहाना बनाते हैं, और जगन्नाथ जी लक्ष्मी को 15 दिन तक अंदर में मनाते रहते हैं, मेरे को थोड़ी सी आदेश दे दे, प्रभु वृंदावन जाऊं और थोड़ी सी मैं ब्रजवासियों से मिल करके आऊं, हैं। इसलिए 15 दिन को बाद में जगन्नाथ जी बुखार से उठते हैं, कहते देखा तुमने बुखार में पड़ा हुआ था 15 दिन तक, ठीक से खाया नहीं पिया नहीं, मन अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को थोड़ी सी आदेश दे दो, मैं जाना चाहता हूँ वृंदावन, 1-2 दिन घूम करके आ जाऊंगा। बोले कब आओगे, बोले आ जाऊंगा कल घूम करके परसों आ जाऊंगा, कहते बोले तेरा घूम करके आ जाता हूँ, वृंदावन का नाम लेते तो जान ही दे, इसलिए कहते परसों परसों बोलकर परसों हो गया। अभी जगन्नाथ जी जा कृष्ण जाते हैं मिलने के लिए, किससे मिलने के लिए जाते हैं, ब्रजवासियों से, इसलिए उन्होंने रुक्मिणी को, इसने उन्होंने लक्ष्मी को नहीं लिया, अपना बहन को ले लिया और अपना भैया श्री बलदेव प्रभु को ले लिया, ये दोनों को लेकर के जगन्नाथ जी कहाँ पर गए, जगन्नाथ जी गए वृंदावन में, जगन्नाथ जी गए वृंदावन में, बोल रहे थे परसों आ जाएंगे, लेकिन 5 दिन ही हो गया तभी नहीं आए, लक्ष्मी को इतना गुस्सा आई, बोले 2 दिन बोलकर 5 दिन हो गया अभी तक नहीं आए। लक्ष्मी तो बड़ी क्रोधित होकर के लक्ष्मी जी गई, और जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होता है ना उसका के पहिया उन्होंने तोड़ दी, बिल्कुल 2 दिन बल्कि 5 दिन ही हो गया, और अंदर में उन्होंने जा करके एक सिंहासन के ऊपर बैठ गए और अपना दास दासियों का आदेश दिए, बोले गोपियों को बांध बांध करके पकड़ पकड़ कर लिया। वहां पर 2 दल बनता है, एक गोपियों का दल है और एक दल बनता है लक्ष्मी की दल, ये जो लक्ष्मी की दल के लोग जो गोपियों की दल को पकड़ पकड़ करके जैसे जैसे एक दंड देते हैं जिसको पकड़ पकड़ करके ले आते हैं, और ये सब के सब लक्ष्मी के चरण में माफी मांगते हैं, आप गुस्सा मत करो, आपको पति देवों को हम जल्दी जल्दी छोड़ देंगे, 1-2 दिन में छोड़ देंगे। लेकिन जगन्नाथ जब आते हैं, कब आते हैं, तो कम से कम 15 दिन बाद में जगन्नाथ जी आए, जब 15 दिन बाद में जगन्नाथ जी आए, इतने में लक्ष्मी का दरवाजा बंद कर दिया, बोले अंदर में प्रवेश नहीं। पहले तो बलदेव प्रभु आए, पूछे भैया कौन आ रहे, बोले जेठ आ गए,
बोले भैया जेट से कोई मतलब नहीं, दरवाजा खोला। उसके बाद में सुभद्रा आती है, बोले कौन आ रहे हैं? बोले मैं नंद आ रहे हैं। आपको पता होगा नंद कितना तेज है, आपको पता है ना नंद कितना तेज है? बोले भैया नंद के लिए कोई है नहीं, नंद के लिए खोल दो। बोले ये कौन? बोले तुम्हारी खसम आ रहा है, तुम्हारी पत्नी आ रहे हैं, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। पूछे कितना दिन हो गया? दो दिन हो गया। कितना दिन हो गया? 17 दिन आ रहे हैं। लेकिन जगन्नाथ जी को पता है अगर किसी पत्नी को खुश करना है ना, जब मतलब दो तीन चीज दे तो खुश हो जाती है। अब पता है आप लोगों को खुश करने के लिए क्या दिया जाए? पहला नंबर उनका मन पसंद साड़ी चाहिए, और दूसरी है उनके लिए बढ़िया बढ़िया गहना अलग चाहिए। जगन्नाथ जी जो पूछे भैया इतना देर क्यों किया? बोले तुम्हारे लिए देर बनाए। बोले मेरे लिए? बोले जब विदेश से गया खाली हाथ से कैसे आ सकता हूँ? तुम्हारा लिए बनारस की साड़ी जिसमें सोने की चरी की एम्ब्रॉयडरी का काम है, मैंने उसको मैंने ऑर्डर दिया था, और एकदम प्योर जयपुरी सोना की गहना जो लाई, एकदम सर से लेकर पैर तक बढ़िया बढ़िया गहना, अपने नाक के लिए, सर के लिए, कान के लिए, गले के लिए, एकदम प्योर सोने के साथ दिया था ऑर्डर। अगर देर कर गया तो मैं क्या करूंगा? इसलिए तो देर हो गया। लक्ष्मी का जो क्रोध था ना, वो क्रोध थोड़ी सी नीचे हो गया, क्योंकि उनके लिए साड़ी लाया ना, गहना लाया। बोले और क्या लाया तेरे को पता? बोले क्या लाया? बोले तुम्हारी मन पसंद रसगुल्ला, तो बढ़िया ऑर्डर दे करके बढ़िया रसगुल्ला लाया। फिर तो लक्ष्मी की जी में पानी आ गई। बोले जय से जय, लेकिन मेरे बिहार रह गए। बोले भैया हम दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोले तो श्री जगन्नाथ जी को लक्ष्मी फिर आरती करके ले जाती। देखो जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, इतना सारा दुनिया में एक विशेष चीज है, हम लोग ठाकुर को दर्शन करने के लिए अंदर में जाते मंदिर में, लेकिन एक ही ठाकुर पृथ्वी में हुए जगन्नाथ जी के जीवों को दर्शन देने के लिए अपना मंदिर छोड़ कर लिए मेन रोड में आते। जगन्नाथ जी मेन रोड में उतर करके सारा दुनिया को उन्हें दर्शन देते। अब सारा दुनिया देखना, शादी होने के बाद ना अपना भैया को भूल जाते हैं, अपना भैया को भूल जाते, बहन को भूल जाती। देखना शादी से पहले बड़े भैया भैया बहन, लेकिन शादी के बाद में सबके एक तरफ में करके अपना बीवी सबको भूल जाते। लेकिन जगन्नाथ जी उन्होंने क्या किया? अपना भैया बहन को लेकर गए, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्मी को लेकर नहीं गए। या जगन्नाथ जी क्या कहते हैं, ऐसे नहीं भैया और भैया बहन को भूल जाओगे, नहीं कभी भी इनको भूलेंगे नहीं चाहिए। इसलिए जगन्नाथ जी को शास्त्र ने बताया रथे वामन दृष्टा पुनर जगन्नाथ विद्यते। अगर रथ को ऊपर में जगन्नाथ जी को एक बार दर्शन कर ले, जगत में फिर पुनर्जन्म उसको नहीं होता। इतने महत्व बल क्यों? बल्कि जो रथ है ये राधा जी के हृदय है। राधा रानी अपना हृदय में श्याम सुंदर को बैठा कर रखे। एक व्यक्ति कम ज्यादा खुश होता है जब सबसे प्यारे व्यक्ति से मिलने के लिए जाए, तभी ये खुश होते हैं। बोले कृष्ण के सबसे प्यारे कौन है? ये ब्रजवासी ब्रज गोपियां राधा रानी। इसलिए जगन्नाथ जी आज अपना द्वारका से जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं अपना ब्रजवासियों से मिलने के लिए, राधा रानी से मिलने के लिए। एक व्यक्ति जब खुश होता है ना, अब जो मांगो वही नहीं देखा है। इसलिए जगन्नाथ जी बहुत खुश हैं, ब्रजवासियों से मिलने के लिए जा रहे हैं। मैं उड़ीसा से हूँ, जगन्नाथ जी रथ यात्रा से जब एक बार रथ का रस्सी को एक बार पकड़ लिया ना, तो उसमें जगत में दो बार जन्म लेना नहीं पड़ता है। हमारा देश में रथ यात्रा के बाद उसका जो रस्सी को उसको एक एक जो धागा होता है ना, उसको तोड़ तोड़ कर ले जाते। बोले क्यों? बोले एक जो धागा की इतनी शक्ति है, जिस घर में रह जाए एक धागा, उसी घर में भूत पिशाच डाकू निस्तागी कोई अमंगल घर में रह ही नहीं सकते हैं। जिनका कमर घुटने में दर्द है, उसको बांध दो, दर्द सही हो जाता है। जैसे कवच बनाते हैं ना ताबी, उसमें अंदर में उसको डाल करके बांधो तो सारी बीमारी की बड़ी महत्व है। क्यों? वो रथ में जगन्नाथ जी बैठकर वृंदावन जा रहे, ब्रजवासी उसको खींच कर ले जाते हैं। इसलिए आज सबके सब राधा जी के हृदय में भगवान बैठा कर काम कहाँ ले जाएंगे? Thank you.
हरे हरे।